हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यूज़ जेट। आज हम आए हुए हैं गोल्डन रिसोर्ट पर, जहां जेट सीसी एक्सयू चैंपियनशिप 2021 के साइकिल रेस होने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश पर ड्यूरिंग इस देश में आजकल साइकिल रेस का काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो विच इज़ हमारे जो यहां पे अंदर जीरो लोअर सुबनसरी के सर्कल के अंदर पर शायद ही ये फर्स्ट टाइम है साइकिल रेस। एंड जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जीरो साइकिलिंग क्लब इन द कोलेबोरेशन विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे काफ़ी सारे पार्टिसिपेशन आए हैं, तो चलिए हम सब उनसे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। अच्छा, आज ये जो साइकिल रेस है इसमें एक जूनियर भी है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, और नॉट ओनली ये हमें पता चला है कि ये हमारे अरुणाचल प्रदेश को स्टेट लेवल से एज ए रिप्रेजेंट भी करने जा रहे हैं, तो हम इससे थोड़ी इंटरेक्ट करते हैं। आप पहले तो अपना नाम बताइए। कागो मोपिन। अच्छा, आप कहाँ पढ़ते हो? सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग। आपने इससे आगे कहाँ कहाँ साइकिल रेस में पार्टिसिपेट किया है, कभी इवेंट वगैरह में या फिर? मोपिन में क्या था, एक बार मतलब मोफिन में एक बार सिर्फ किया था। नहीं, तानागढ़ साइकिलिंग क्लब है हम लोग का। अच्छा। उधर में हम लोग जो रेस करते हैं वीकली। अच्छा, तो आप ये हमारा जो स्टेट लेवल के लिए जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बोले ना, तो आपको इसके लिए कब सेलेक्ट किया गया? सेलेक्ट ये मंथ में ही हुआ। अच्छा, इस मंथ में हुआ। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू। हाँ, तो इससे आगे आप लोग ने कभी साइकिल रेस पे पार्टिसिपेट किया? साइकिल हम लोग एक बार ऑर्गेनाइज किया था जीरो एमटीपी क्लब की तरफ से, लास्ट मंथ ही किया था। yeah. वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। अब ये सेकंड टाइम है हम लोग का जीरो एमटीपी क्लब का। तो आपने आपका भी ये सेकंड टाइम है साइकिल रेस में? यस, ये सेकंड टाइम है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया गया है कि हमारा जो ये आज साइकिल रेस है तो होने जा रहा है, तो उसमें आउट ऑफ स्टेट से भी जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सर से इंटरेक्ट करते हैं। सर, कैन यू टेल मी व्हाट्स योर नेम? आई एम दीपक, आई एम कमिंग फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई, ओके। डिड यू एवर पार्टिसिपेट इन इवेंट लाइक दिस बिफोर? नो, आई हैवन्ट, दिस इज माय फर्स्ट टाइम फॉर अ साइकिल रेस हियर, सो आई एम एक्साइटेड। ओके, देन आपको मतलब यू नो ना हिंदी? आपने ये कहाँ से सुना कि यहाँ साइकिल रेस होने जा रहे हैं? बस मैं यहाँ घूमने आ रहा था, आते वक्त पेचीपुटू है ना, वहाँ मैं पोस्टर देखा, लाइक देयर इज अ साइकिल रेस गोइंग ऑन हियर, सो आई जस्ट कॉल्ड एंड गॉट माय सेल्फ एनरोल्ड। यस, देन यू आर कम फ्रॉम चेन्नई जस्ट हमारे जो जीरो है उसे देखने के लिए आया? कम टू यू नो हैव अ टूर। सो देन सर, दिस इज दैट मींस दिस इज योर फर्स्ट टाइम साइकिल रेस? This is the first time in Northeast. So yeah, this is the first time here. That means you before इससे पहले आपने participate किया है? No. I haven't participated in any kind of cycle events. Yeah. But yeah, this is my first time and I'm excited about it. Okay. Thank you very much. हमारे जो आज के साइकिल रेस है उसमें कुछ लोग हैं वेस्ट कामिंग से भी आया गया है, तो मैं उन सभी से भी इंटरेक्ट करना चाहूँगा, और मैं बहुत मतलब अच्छा लगा सुन के कि बाहर से भी जो वेस्ट कामिंग है हमारा जो जीरो के बाहर से भी आया गया है इस साइकिल रेस में, तो सर लोग से बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। सर, आप लोग अपने अपने नाम बता सकते हैं? अच्छा, मेरा नाम आर के थोंगुन है। अच्छा, आर के थोंगुन। सर, आप कदमा थोंगदो? अच्छा, आप तो सर, आप लोगों ने इससे आगे कभी साइकिल रेस में पार्टिसिपेट किया या फिर आप सभी का भी ये फर्स्ट टाइम है? हम लोग एक्चुअली ये मिलाकर कुल फोर्थ ये चैंपियनशिप रहेगा। अच्छा। एंड रिसेंटली हम लोग एक बोमडिला में वेस्ट कमिंग में एक पार्टिसिपेट हुआ था इसका, आपका हमारा एक आज़ादी का वन एक उसका एक आपका साइकिलिंग का 75th ईयर का वो किया गया था। yeah. तो उसमें पार्टिसिपेट किया है रिसेंटली, तो इसके बाद हमारा एक एमटीबी वेस्ट कमिंग राइडर है, तो उसमें आपका ये एडवर्टाइजमेंट आया था, तो इसलिए हम लोग सोचा कि एक टूरिस्ट एक टूर विजिट भी हो जाए और प्लस हमारे एक साइकिलिंग का भी एक प्रोग्राम हो जाए, कि इसलिए हम लोग यहाँ से इतना दूर से यहाँ आपका यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं। मतलब आप चारों ने ही उस और जो भी इवेंट था साइकिल रेस में पार्टिसिपेट किया? अच्छा, आप सारों मतलब दोस्त हो लग रहे हो? जी, अच्छा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, इंटरेक्ट करके, एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू। Go! Let's go! Let's see the reaction of 2021 again! Best of luck, win! Best of luck, everyone! Best of luck! All of us! Best of luck! आज हमारे यहाँ में हारी विलेज एंड दुबो विलेज का जो जेट पी एम सर एंड मैम भी आए हैं, तो उनसे भी थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं कि सर, फिलहाल तो मैं सबसे पहले आपका नाम
मेरा नाम हागे दोलो है, हरी जिला परिषद मेंबर हरी बस्ती का। ओके, तो मेरा नाम कोच याना है, मैं 7 डुबोनोट का जेटवी हूँ। तो मैम, आप दोनों ने अभी कहा ना कि ये जो जेटसीसी एक्सी चैंपियनशिप का जो साइकिल रेस है ओपन टू ऑल के लिए है, यहाँ लड़कियाँ पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं किया, आज में तो सारा लड़का किया है। तो आप लोग जो यूथ को, अगर यूथ लड़कियों को भी कुछ मैसेज वगैरह छोड़ना चाहोगे? ये तो इस बार फर्स्ट टाइम आपने द्वितीय सर ने बहुत अच्छा बताया आपको क्या कैसे ऐसे इस बार ऑर्गेनाइज हुआ। तो आने वाला साल में लड़की भी पार्टिसिपेट करने से बहुत अच्छा है। और जीरो एक हम लोग 1980s में यहाँ में गाड़ी तो कुछ है नहीं था, साइकिल ही था। तो साइकिल से ही हम लोग मोड ट्रांसपोर्टेशन और सब होता था। अभी जीरो और भी सड़क अच्छा हो रहा है, साइकिल चलाने से बहुत अच्छा होगा हेल्थ के लिए भी। और अभी द्वितीय सर ने बोला इसको एनुअल इवेंट करने के लिए हर अथॉरिटी को लिखेगा बोला है। बहुत अच्छा लगा, ये हमारा जीरो के लिए एक बहुत खुशखबरी है। तो मैं मैम से भी, आज का जो साइकिल रेस ने जिसने पार्टिसिपेट किया, कई सारे ने पार्टिसिपेट किया, तो उस यूथ के लिए कुछ मैसेज? ये आज का साइकिलिंग क्लब का ये आज ऑर्गेनाइज किया, ये इसको देखते हुए हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा हमेशा हर साल होने से थी कि, और इसी का द्वारा या हम लोग का पोल्यूशन भी थोड़ा साइकिल से थोड़ा सीखा जाए तो हम लोग का पोल्यूशन के लिए भी अच्छा थोड़ा रहेगा, कम हो जाएगा। और ये ऐसा साइकिलिंग डे बोल के इसी तरह आज का दिन सिर्फ मैं साइकिल नहीं चला के दूसरा दिन में भी थोड़ा हम लोग साइकिल का यूज़ करते हुए हम लोग ये ज़िंदगी थोड़ा गुजारने से हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, सब चीज़ थोड़ा हम लोग का आगे बढ़ने के लिए भी अच्छा होगा। और आज यहाँ में हम लोग का जो पार्टिसिपेट किया गया है सब लड़का ही गया है, कोई भी लड़की नहीं गया। आज लड़की भी थोड़ा ये इसमें पार्टिसिपेट करने से तो और भी अच्छा होना था। तो आज तो ये इस बार तो ये कोविड का वजह से हम लोग फर्स्ट टाइम हुआ, थोड़ा इसी का वजह से कुछ कमी भी हो गया होगा। तो आने वाला साल के लिए हम ये मैसेज हम मेरा तरफ से लड़की लोग भी ऐसा कंपटीशन का भी होने से सब लड़कियों लोग थोड़ा इसको पार्टिसिपेट करने से मेरे लिए और अच्छा रहेगा। ये मेरा तरफ से मैं लड़कियों के लिए स्पेशल एक मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर, आप दोनों को इंटरेक्ट करके बहुत ही अच्छा लगा। एंड थैंक यू जो आपने जो यूथ को आपके थ्रू पे जो यूथ को मैसेज पहुंचाया है। तो मैं भी वही कहूंगा कि जो मैम एंड सर ने कहा, या दैट्स ट्रू, हमारा जो लड़की भी है वो किसी से कम भी नहीं है। एंड मैं चाहूंगा कि लड़की इस चीज़ में कभी हेजिटेट नहीं कीजिए, तो आगे चल कर जो है वो लड़कों को भी टक्कर दे सकता है कि नहीं। तो मैं चाहूंगा कि इस बार तो नहीं किया किसी ने पार्टिसिपेट लड़की ने, तो अगले बार जो है ज़रूर वो करें कि नहीं सर। एंड थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। और हमारा सेकंड पोजीशन में आया है ताके पुगान, इसने कंप्लीट किया है 31.7 किलोमीटर को 2 hours 9 seconds में। और उसे सम्मानित करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारा जिला मैडम कौन था मैडम जी को। Thank you.
विनर है नंबर वन पोजीशन शर्मा धोती हमारा द्वितीय सर को आज हमारा ये जेडसीसी एक्सी चैंपियनशिप में हमारा जो ये है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के सर भी आए हुए हैं, तो सर से हम थोड़े से इंटरेक्ट करते हैं। सर प्लीज़ आप अपने नाम। मेरा नाम दीक्षु राजी है और पेशे से मैं जिला पर्यटन अधिकारी हूँ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर। मैं सर से सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने हेल्थ एंड फिटनेस एक ऐसी चीज़ में आपने अपना योगदान दिया है। तो सर आपने जो ये जीरो साइकिलिंग क्लब के साथ जो एज ए टीम मेंबर आप लोग ने जो कोलेबरेट करके किया ना, तो क्या आगे जाके आप इन केस फ्यूचर तो आगे जाके क्या आप इस तरह फिर से दोबारा करना चाहोगे उसके साथ? जैसे कि मैंने सुबह के इंटरव्यू में बताया कि ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक दिस इवेंट एनुअल कैलेंडर इवेंट, सो आई विल बी परस्यूइंग दिस मैटर विद माय हायर अथॉरिटीज देयर इज द डायरेक्टरेट, so let's see so that we can make this an annual calendar event. To sir aap yahan ke youth ko kuch kehna chahoge ya fir kuch message youth ko? In terms of tourism, ab zero ka tourism ka agar hum log drishtikon se dekhe to yahan pe hum log dekhne ke liye bahut kuch hai yahan pe zero ka, ya ka wadi ya ka jo sundar vatavaran ye mehsoos karne ke liye bahut kuch hai, लेकिन हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ में एक्टिविटी का टूरिज्म एक्टिविटीज़ का कम मैंने जो है कि थोड़ा कमी है। इन द मीन टाइम वी शुड गिव एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर द टूरिस्ट एंड वी शुड गिव एम्पल रीज़न फॉर द टूरिस्ट हु आर कमिंग हियर एट ज़ीरो। सो दिस प्रमोटिंग दिस साइकिलिंग इवेंट इट विल गिव ए रीज़न फॉर द टूरिस्ट दोज हु लव टू बी अ पार्ट ऑफ द साइकिलिंग इवेंट एंड द एडवेंचर टूरिज्म। It gives them an ample opportunity and a reason to come over here and zero. Yeah, thank you, sir. And मैं सर से भी सर आप थोड़ा अपना intro. मेरा नाम मोदंग सिरा. Yeah. And I'm the foreman of Zero Cycling Club. अच्छा, तो सर आप बता सकते हो कि जो आज का ये जो cycling club है उसमें member कितना था membership? जो जिसने participate किया ना, जो participation था? आज का लाइक मेंबर तो पार्टिसिपेंट्स तो लाइक इट वाज 35 इन नंबर्स, बट देन सम ड्यू टू सम प्रॉब्लम आई थिंक दे कुडंट कम दे पार्टिसिपेट देन टुडे टोटल नंबर वाज 32। ओके, देन आप ये बता सकते हो कि हमने सुना था कि आउट ऑफ स्टेट से भी यहाँ आए हैं, तो कहाँ कहाँ से आए हैं लोग, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो आप उससे थोड़ा सा बता दें। यहाँ पे हम लोगों वेरी फॉर्चुनेटली लाइक चेन्नई से एक आए थे पार्टिसिपेंट, एंड देन आसाम से चार लोग आए थे, एंड देन अदर डिस्ट्रिक्ट से पहले लाइक वेस्ट कमिंग से चार लोग आए, इवन द इम्पैक्ट द विनर भी उधर से ही था फर्स्ट जो आया ना, एंड देन लॉन्गडिंग से भी आए। एंड मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा आपको। तो सर से भी थोड़े इंटरेक्ट करते हैं, ये जो सर है हमारा गोल्डन रिसोर्ट का ओनर है, तो सर मैं आपको ये सवाल करना चाहूँगा, आपको एज डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ कोलेबरेट करके कैसा लगा आपको? ये डिपार्टमेंट का टूरिज्म डिपार्टमेंट का साथ कोलेबरेशन करके अच्छा लगा। जब ये रिसोर्ट बने तब भी ये चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना वो स्कीम से हम ये अवेल करके ये सब इस्टेब्लिश किया, या हमें सेटअप किया ये बिजनेस टूरिज्म डिपार्टमेंट का साथ में। और ये बार भी हम लोग जो साइकिलिंग जीरो साइकिलिंग क्लब उसमें किया था पार्टिसिपेट, उसमें भी हम लोग का साथ कोलाबोरेशन करके ये स्पेशल हम लोग टूरिज्म डे को सेलिब्रेशन करके वो लोग का साथ में हम लोग कोलाबोरेशन करके ये लोग का वजह से, और जो जो हम लोग का इधर बाहर से आए, ईटानगर से आए, कोई बाहर डिस्ट्रिक्ट से आए, कोई अदर स्टेट से भी आए, वो लोग का वजह से हम लोग का MTB राइडर से आए, तो ये लोग का वजह से जो हम लोग का वॉलेंटियरली को भी सक्सेस हुआ हम लोग का प्रोग्राम जो आज का दिन। देन सर मैं जानना चाहूँगा आपने जो आज इवेंट रखा, इन फ्यूचर क्या आप मतलब फिर से यह जो हमारे यहाँ की यूथ है उनके लिए क्या फिर से रखना चाहोगे?
हाँ ऑब्वियसली इसको तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ये छोटा सा इवेंट किया, नेक्स्ट में और बड़ा इससे इवेंट करेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल गया हम लोग को ये सब ये सब जितना हम लोग किया था यूथ को इनकरेजमेंट के लिए, जो जब साइकिलिंग करेगा इसको देख के तो हम लोग साइकिलिंग प्रमोट करेगा और उसको देख के और आधा लोग भी और साइकिलिंग करेगा। साइकिलिंग करने से हम लोग का फिटनेस के लिए होता है एडवांटेज और जो ट्रैफिक कुछ कुछ पोल्यूशन वो सब के लिए ये हम लोग का हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है साइकिलिंग और जो हम लोग ये सब किया था कोई यूथ लोग इनसे हम लोग से इंस्पायर होके नेक्स्ट टाइम हम लोग से और साइकिल हम लोग इससे बड़ा इवेंट करेगा, कोई सब जो भी यूथ है सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू। हाँ सर, तो आप सभी ने सुना ही है कि सर अगले साल भी मतलब इसी तरह अगर ये आज का जो इवेंट था वो काफ़ी ठीक था, अच्छा था, तो अगले साल भी देख कर सर अगर हो सके तो इससे कहीं गुना बड़ा तो वो इवेंट रखना चाहेंगे वो कह रहे थे। तो सर से भी मैं कहूँगा कि एज ए हमारे यूथ को जो है मोटिवेट करने के लिए, हमारा जो यूथ को है उसके लिए काफ़ी ठीक है तो थैंक यू सो मच एंड देखते रहिए न्यूज़ जत।